और यार फाइनली हमारी दूसरी बतख भी एक पे बैठ गई है, लेकिन वो कोने की साइड पर था। देखो अस्सलाम वालेकुम, तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? और यार डब का बेबीज देखो माशाल्लाह से, मुझे लग रहा है कि सामने वाली डब ने एक दे दिए, ये जो पहले बार बार ख़राब करती रहती है, इस दवा भी मैं क्या दिए, ये क्या हो गया, इस दवा भी दिए और फिर ख़राब कर देगी। एक दिए नहीं, अभी तो नहीं दिए, लेकिन शायद दे दे बैठी हुई, एक दिन शायद दे दिया या फिर एक देगी, फिर ख़राब ना कर दे। और बेबीज भी देखो चलने लग गया है, घूम रहा है, देखो यहाँ अंदर ही घूम रहा है, बाहर निकालता हूँ, इस समय साथ में भी नहीं आ रहा, अभी तो थोड़ा थोड़ा उड़ने भी लग गए हैं। देखो अभी जाएगा उड़ के, जाओ जाओ। और ये देखो उड़ रहा है, बड़ा हो गया है माशाल्लाह से, अब पता नहीं ये फीमेल है या मेल है। और ये देखो हाथ पे आ गया उड़ के, आ जाओ हाथ पे, हाथ पर आओ, हाथ पे आ जाओ। ये देखो उड़ रहा है थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन डर भी रहा है। अंदर चले जाओ, जाओ गया अंदर। ये दूसरे वाली तो फीमेल है, ये शायद अलग रहे, मेल निकल जाए तो हमारा एक पेयर कम्प्लीट हो जाएगा। और इसके बेबीज भी देखो, ये देखो माशाल्लाह से रोज़ पर रोज़ थोड़े थोड़े बड़े होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं माशाल्लाह से, सारे के सारे अपने माँ बाप जैसे हैं। लेकिन यार ये वाला ना थोड़ा छोटा रह गया है, ये देखो कितना फ़र्क है इसमें, ये सबसे ज़्यादा छोटा है, बाकी बड़े हो गए हैं। अंदर गंदगी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसकी सफाई भी करनी है हमने। और ये वाले भी देखो, और ये देखो कहाँ पर हैं ये दोनों के दोनों, ये रहे माशाल्लाह से, ये तो काफ़ी प्यारे लग रहे हैं ये वाले, ये देखो माशाल्लाह से काफ़ी प्यारे लग रहे हैं, काफ़ी बड़े भी हो गए हैं, कितने क्यूट हैं। ये तो एक जैसे ही हैं, दोनों सेम हैं, एक जैसे, फ़र्क नहीं है, दोनों एक जैसे ही हैं, माँ और बाप पे दोनों पे ही नहीं लग रहे मुझे, तो चेंज नहीं है दोनों, अब माँ बाप जैसे नहीं होंगे, चेंज होंगे, कोई और कलर हो शायद। यार हमारे रैबिट्स के बेबीज की जो आँखें हैं ना, वो भी खुल गई हैं, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, आँखें वगैरह भी खुल गई हैं उनकी, अभी निकाली इन्हें अंदर से, यहाँ पर होगा अंदर घूम रहा था, घास वगैरह भी अभी खाने लग गया है पहले से थोड़ा थोड़ा सा, आ जाओ हाथ में, चलो आ जाओ। ये देखो माशाल्लाह से, ये देखो थोड़ी थोड़ी सी खुली है इसकी आंखें, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी, इसकी थोड़ी सी आंखें खुली हैं, बाकी वो गया नीचे गिर गया, रुकता ही नहीं है, भागता रहेगा, रुकता ही नहीं है, थोड़ा सा बड़ा क्या हो गया, कहीं भी जगह नहीं देखता, बस कूद नहीं करता, ये देखो आंखें खुल गई इसकी, ये देखो अभी सोया हुआ था मैंने उठा दिया तो आँख खुल गई इसकी, ये देखो यहाँ छोड़ूंगा ना, ये कूद कूद कर जाएगा, रुकता नहीं है कहीं पर भी, नीचे छोड़ता हूँ, ये कूदेगा नहीं ना, गिरेगा नहीं इधर उधर। और दूसरे वाला भी निकालता हूँ, दूसरे वाला कहाँ पर है, ये बंद किसने कर दिया, इसने पता नहीं, ये शेड ने लगाया शायद, तो ये देखो मारने आ रही है, ये निकालने नहीं देगी दूसरे वाले की, नहीं तो उसकी आंखें खुल गई हैं, आपको दिखाता हूँ मैं, ये मारने मारेगी बहुत ज़्यादा, ये देखो आँखें इसकी भी खुल गई हैं, आ जाओ आगे आ जाओ, ये देखो आँखें देखो अब नजर आ रही है खुली हुई माशाल्लाह से, बहुत क्यूट है ये वाला, काफ़ी गंदा भी कर दिया हमने हाथ में पकड़ कर, थोड़ा सा गंदा हो गया है, चले जाओ अंदर, इसकी माँ तो देखो वो कोने में घुस कर बैठी है सुकून से। ये देखो यार शेर ने पिद्दो के वो बंद किया हुआ था आगे, मैं समझा पत्थर किसी और ने लगाया, मैंने हटा दिया, अब अंदर चेक करो इसने अंडा दिया नहीं दिया, अंडा देने वाली थी ये, हाँ ना ये शोर कर रही थी बहुत ज़्यादा यार, मेरे को पता नहीं था कि इसने अंदर बंद किया हुआ, मैंने तो पत्थर रहेगा लगे हुए, मैंने हटा दिया, बच्चा नहीं डाला, नहीं बच्चा मैंने तो नहीं डाला, अंदर तो कुछ भी नहीं है, अंडा नहीं है, नहीं थी। इसका बेबीज कहाँ पर है, यहाँ ही है अंदर, निकालो फिर कहाँ पर है, तो सामने नहीं है, सामने तो नहीं है, मैंने देखा था पीछे ना चला गया, निकालो फिर पीछे से, निकाल ले नहीं रहा है, खुद ने सामने छोड़ा था, वो निकाल बाद में आती है, पकड़ो ये मैं निकालता हूँ, वो कोने की साइड पर था, वो देखो कैसे क्यूट था, वो कोने में घुसा हुआ था, मुझे नजर ही नहीं आया वहाँ पे घूम रहा है, तो पीछे को जगह है ये, उधर तो नहीं चला जाएगा, नहीं आ सकता है वैसे, आएगा नहीं, लेकिन आ तो सकता है, यहाँ पे जगह है आने के लिए उसके लिए, उसे देखो कहाँ पर, वो कहाँ पर है, वो तो माँ उसकी खुद जाके बैठी है, और वो कैसे माँ के साथ बैठा हुआ है, सेम अपनी माँ के जैसा है, और चलने भी लग गया अब तो काफ़ी, इस वजह से घूमता रहता अंदर ही, ब्लैक वाले से थोड़ा बड़ा है, ब्लैक वाला चलता नहीं, ये तो चलने भी लग गया है काफ़ी। और यार अभी ना हमने इनको बाहर खोल कर रखा है गेट इनका थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यार इनको ना अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो इन देखो मुंह भी देखो कैसे खुला हुआ है, इनका सांस लेने में मुश्किल हो रही है थोड़ी सी, तो इस वजह से हमने बाहर निकाल कर रखा है, थोड़ी देर ये बाहर ही रहे, इसको गेट को बंद कर दो बस, कोई चीज़ फंसा दो इसकी गेट के आगे, थोड़ी देर इसको बाहर छोड़ते हैं, उसके बाद फिर पैक कर देंगे वापस अंदर। और हमारे मोर को देखो कैसे बैठा हुआ है सुकून से, बीच में राजाओं की तरह बैठा हुआ है, बिल्कुल
मजे से। और यार ये देखो हमारे बटर का कलर, ये कैसे कलर का बटर है? अभी इसमें से मट्टी निकलेगी देखना। व्हाइट कलर का बटर है और देखो मट्टी में ना नागर कैसा हो गया। छोड़ो इसको छोड़ो, देखो मट्टी उड़ेगी सारी। ये देखो ओ तेरी गलत लग गया, ये तो ओ जो मार रहा मार रहा मार रहा नीचे चलो मार रहे मार रहे मार ले हटो चलो साइड में निकालो इसे निकालो। यार बटेर को निकाले यहाँ से, कहाँ पर है? ओ छुपका हुआ, चूजे मार रहे होते ना उधर पीछे छुपा हुआ होता है, तुम्हें इसको निकाल लिया वहाँ से। चलो भाई अब जाओ वहाँ को, वहाँ को जाओ। कहाँ गया? वो मेरे से पहले ही निकल के जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। गया 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 गया। हेलो दोस्तों, इसने एक एग दे दिया था, मैंने रखा था कल इनके पास, इन्होंने ना फिर वापस आज नीचे गिर दिया, तो मैंने आज फिर यहाँ से एग हटाकर इनके पास कर दिया, क्योंकि इनका एक पहली एग खराब हो गया था, तो इस वजह से हमने दे दिया इसको एक एग दे दिया है। तुम भी बाहर आओ, चलो फिलहाल बाहर जाओ, अभी बाहर जाओ अभी। ये देखो ये रहा एक एग, और ये वाला एग फिर हमने यहाँ रख दिया है फिलहाल के लिए, ये उन्होंने घेर दिया था, हल्की तरह भी आ गई है, और एक दे देंगे ये कुछ दिनों में, नहीं कल परसों एक और एक दे देगी, उसके बाद फिर एक हम वापसी यहाँ रखेंगे। और ये तोतो का एक भी हमने इनके पास रखा था, ये देखो अब इसमें ही पता नहीं बेबीज बन रहा है या नहीं, ये अंडे ना तोड़ दे, ये मार रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, बरा मेरे अंडे करीब आए क्यों। और इन्होंने भी देखो माशाल्लाह से एक दे दिया, एक इसके सामने कोई और मेल लगाना है, उसके बाद फिर ये एक पे बैठ जाएगी। अब इन्होंने भी एक एक दे दिया है, इन्होंने तो नहीं दिया, अभी ये भी दे देंगे, इन्होंने ये भी दे देंगे कुछ दिनों में। और ये देखो माशाल्लाह से हमने इसके पास रख दिया था ये बेबीज, तो यहाँ पे ग्रो हो रहा है, यहाँ पे हो नहीं रहा था नीचे, माशाल्लाह से यहाँ पे ऊपर बड़ा हो रहा है, ये पाल नहीं रहते, एक छोटा रह गया था एक बड़ा, तो हमने इनका बेबीज इनको वापस कर दिया इनके पास ही। ये तो कल बैठ नहीं रहे एक पे, पता नहीं क्या करते हैं, एक को नीचे गिर देते हैं बार बार, हमें एक रखते हैं इसके पास, पता नहीं इसको फेरी है या गर्दन टेढ़ी है ना, इस वजह से एक नीचे गिर देती है बार बार, यही हर दफ़ा एक तोड़ देती है। यार उसका बेबी निकलने वाला है, इसके मैंने एक वापसी इनको दिया अल्लाह मालिक, अगर ये ख़राब करते हैं तो कोई मसला नहीं है, खैर अब क्या करें, नहीं तो अगर बेबीज निकाल लेंगे तो भी इंशाल्लाह बेबी निकाल लेंगे। इतने ज़्यादा हमारे ये वाले पिजन के बेबी बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं, ये देखो इसकी आँख दिखाता हूँ मैं आपको, एक आँख से खुलती नहीं है इसकी, ये देखो अब ये इसके सूखे दाने वगैरह सूखे तो ठीक हुई है, वैसे तो एक्टिव है बिल्कुल सही सलामत चलता है, ये देखो खाना पीना भी एक आँख से देखता है, एक आँख से नज़र ही नहीं आता इसे। और इसको भी देखो यार, ये देखो इसकी आँख भी आपको दिखाता हूँ मैं, ये भी एक्टिव है वैसे तो, ये देखो एक आँख पूरी बंद हो गई है इसकी, सिर्फ एक आँख से देखता है, वो भी टेढ़ी गर्दन करके, टेढ़ी गर्दन करके ही चलता है, क्योंकि एक आँख से इसे नज़र आता है, एक से नज़र ही नहीं आता। और ये वाले पिगन को भी खोल कर छोड़ते हैं, चलो आ जाओ बाहर सारे के सारे, कितने बैठे हुए हैं यहाँ पर, चलो आ जाओ सारे बाहर। भैया फाइनली हमारी दूसरी बतख भी एक पे बैठ गई है, लेकिन ये मुड़ी है, ये तो कभी बैठी भी है ना, ये कभी उठ जाती है कभी बैठ जाती है, फिलहाल हम इसको बाहर नहीं निकालते, रात में बैठती नहीं है। हाँ कभी कभी रात में नहीं बैठती, दिन में बैठती है, कभी रात में बैठती है, ज़्यादा गर्माइश तो रात में ही मिलती है। हाँ ज़्यादा गर्माइश रात में मिलती है, और फिर ये रात में बैठती नहीं है, इस वजह से एक ना ख़राब कर दे, ये वाले दो तो शायद हो जाएँ, कभी बच्चे बनते हैं, कभी गर्माइश मिलती है कभी नहीं मिलती, इस वजह से दो एक ख़राब हो जाएंगे। और ये रही हमारी मुर्गी, ये तो माशाल्लाह से सुकून से बैठ गई है एक पे, इसे शो प्यास लग रही है, शो पानी दो इसे, इसे ही प्यास लग रही है। और यार इसके आगे खाना पानी भी रख देते हैं, ये खाना पानी खुद ही खाएगी पिएगी अंदर ही, अब ये बाहर तो वैसे भी नहीं आएगी, और हमें थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, क्योंकि हमने तो इसको यहाँ बिठा दिया है, तो फिर मुर्गा और मुर्गी को इसके नीचे बंद करना पड़ता है, और चूजे यहीं इसके पास ही छोड़ रहे हैं, लेकिन वो दिन में तंग करेंगे, सिर्फ रात में छोड़ेंगे, सुबह निकाल देंगे वहाँ से। और अभी हमने अपने पिगियन भी उड़ाए, ये देखो माशाल्लाह से सारे के सारे उड़ रहे हैं, ये रहे और दो और रहे, एक नहीं है ना नज़र आ रहा, एक नज़र नहीं आ रहा ना, आ रहा वो रहा वो देखो काफ़ी ऊपर है, नज़र भी नहीं आ रहा, ये नज़र आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा सा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें, और दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।